लॉकडाउन के बाद से ही रोज कमाकर खाने वाले मजदूरों की जिंदगी में आफत आ गई है। मजदूर अपने घरों तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को भी तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ 1 अप्रैल को दिल्ली से बिहार जा रहे 24 मजदूरों को गोंडा के शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में क्वारंटीन किया गया था, लेकिन क्वारंटीन की अवधि पूरी होने के बाद ये मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं। मैं दिल्ली से आया और मेरा यहाँ गोंडा ग्राम में पकड़ा गया, ठीक है, और मेरा 27 दिन हो गया भाई। मैं अपने माँ बच्चा के साथ जाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि शायद सरकार से कि हमें वहाँ बुलाया जाए। क्यों नहीं जा पा रहे हो? क्योंकि यहाँ का सरकार आज लॉकडाउन करके रोक दिया गया, इसलिए जा नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा सरकार बोला नहीं दे रहा, तो इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? तो सरकार आप लोग को मुझे नहीं पता बुला रही नहीं बुला रही है, ठीक है, नहीं तो मेरा आवाज़ सरकार तक पहुँचा दो। हम सबके बुलाए 27 दिन हो गया और हमारा बाल बच्चा घर में रो रहा है और हम भी यहाँ रो रहे हैं अपने बाल बच्चे के लिए। यहाँ पर कितने लोग हो? 24 लोग हैं। आपको बता दें कि मजदूरों को वापस लाने के मामले में बिहार सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हमारे पास इतनी बस नहीं है कि सबको बुलाया जा सके। संसाधन की कमी पाते हुए सुशील कुमार मोदी मजदूरों को वापस लाने की बात पर कुछ भी साफ नहीं कर पाए। हालांकि डिप्टी सीएम ने इतना जरूर कहा कि मुख्य सचिव के साथ बैठक कर सारी बातों पर चर्चा करेंगे और कोई रणनीति बनाई जाएगी। तो वहीं दूसरे प्रांतों से जिले में रुके क्वारंटीन लोगों को उनके राज्यों में भेजने की बात पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण का कहना है कि इस बारे में जिला प्रशासन से बात करेंगे। अब इस विषय की जानकारी आपके माध्यम से मुझे मिल रही है तो मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा कि उनकी क्या व्यवस्था बनाई जाए, और या तो अगर वो मजदूर हैं तो अगर मजदूरी करना चाहें तो उसकी व्यवस्था बनाई जाए। छोटे मोटे काम का की शुरुआत हो चुकी है और उत्तरदायित्व तो वहाँ की सरकार का है, लेकिन मान लीजिए हमारी सरकार भेजती है वहाँ, वो अपने बॉर्डर पर जाने ना दे, तो ये तो विषय केवल हम लोगों के नहीं रह गया, दो राज्यों का विषय है। अब सोचने वाली बात यह है कि दूसरे राज्यों में ये मजदूर रुकना नहीं चाहते और अपने राज्य की सरकार इन्हें बुलाने पर हाथ खड़े कर चुकी है, तो ये अब मजदूर कहाँ जाएंगे? गोंडा से न्यूज़ के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।